हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मार्केतारे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी श्री रावतपुर सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि सेल का कम्युनिकेशन कैसे होता है और कौन कौन से टाइप का कम्युनिकेशन होता है। आज हम देखेंगे कि रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फर्स्ट, जी प्रोटीन लिंक्ड टायरोसिन काइनेज इन आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। ये जी प्रोटीन, जी स्टैंड फॉर गुआनिन, इस टाइप्स के होते हैं मैकेनिज्म इस रिसेप्टर्स में। क्या होता है कि जैसे रिसेप्टर्स होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इनएक्टिव स्टेज में है। अगर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, बाइंड होता है, देन एक्टिवेट हो जाता है रिसेप्टर। एक्टिवेट होने के बाद फिर क्या होता है, जीडीपी में डिस्प्लेस्ड हो जाता है। देन उसके बाद जीटीपी एक्टिवेट जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जीटीपी। देन उसके बाद ये जो एक्टिवेटेड जो जी प्रोटीन है वो क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। देन फाइनली सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराता है। यह जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स बोलते हैं इस कारण से। सेकंड आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसमें क्या होता है, इनिशियली जो टायरोसिन रिसेप्टर्स है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। जैसे ही कोई सिग्नल मालिकूल्स आता है, मालिकूल्स बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, फिर डाइमराइजेशन होता है। दो रिसेप्टर्स आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं। फिर ये डाइमर क्या होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, ये अनफॉस्फोरिलेटेड होता है। देन 6 ATP 6 ADP में कन्वर्ट जैसे ही होता है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, फिर फॉस्फोरिलेटेड भी हो जाता है ये। देन उसके बाद इनएक्टिव रिले प्रोटीन रहता है, वो बाइंड होता है फुली एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ। बाइंड होने के बाद क्या करता है, अपना सेलुलर रिस्पॉन्स शो करता है, जिस टाइप का सिग्नल मिला उस टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराता है। देन लास्ट रिसेप्टर है आयन चैनल रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, आयन चैनल्स होते हैं, नेचुरली तो बंद रहेंगे। जैसे ही कोई सिग्नल्स या लिगेंड आता है, बाइंड होता है, गेट जो है ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आयन एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जिस टाइप का आयन है और जिस टाइप से उसका प्रॉपर्टी है, उनके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स शो करता है। देन जैसे ही जो सिग्नल वाली कुछ बाइंड है रिसेप्टर के साथ, वो हट जाता है, फिर गेट क्लोज हो जाते हैं, फिर अपना इनिशियल पोजिशन में आ जाता है। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने टाइप्स के यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।